उनक धीरो पति फिर ना रहे उपजाजन क्या ना प्रभु मुझ क्या ना चरित बहुत दिख कीन चहे यह कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार प्रभु प्रेम लहे। चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराण एवं समस्त शास्त्रों में आपके रूपों का विधि प्रकार से वर्णन किया गया है और वह यह कहते हैं कि आपके प्रति एक एक रूप में अनेकों माया से बने हुए ब्रह्मांड स्थिर है विराजमान रहते हैं। भगवान आज मैं उसी रूप का दर्शन करके धन्य हूँ, परंतु भगवान मेरे हृदय में एक बड़ी ही शंका है और वो शंका ये है कि जब अयोध्या के प्रवासी संसार के लोग यह बात को सुनेंगे कि अयोध्या जी के यहाँ चार भुजाओं वाले पुत्र ने जन्म लिया है तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए भगवान अब बाल रूप धारण करें और आपने बड़ी कृपा की, जो सूर्य वंश सदा से अनाथ था आज आपने उसे आकर के सनाथ कर दिया है। धन्य धन्य नाथ सूर्य वंश को सनाथ किया, लौकिक विहार को विचार कर लीजिए। आज लो जो देखी दीनता अधीनता पुकार ऐसी चित्त दीनता प्रथा को हर लीजिए। अब तक तक देखो विष्णु को स्वरूप रूप एहो स्वरूप बाल रूप धर लीजिए। हे भगवान आप छोटे से बालक बन जाते हैं। माता पुनी बोली तू मत डोली सजहु नाथ ये रूपा जैसे सुनीला अति प्रिय सुनीला यह सुख परम अनुचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक नर रूप चरित जुलावही हरि पद पावही पीना परही प्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपा। हे माता मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ, आप उसको ध्यान देकर के सुनना अवश्य। पूर्व समय मम भूप पिता मात